नमस्कार, मिर्जापुर न्यूज़ डॉट कॉम में आपका स्वागत है। नंबर वन मिर्जापुर का हिंदी न्यूज़ पोर्टल मिर्जापुर न्यूज़ में आप जनपद मिर्जापुर का धरोहर देख रहे हैं और ये अति प्राचीन धरोहर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माँ गंगा के तट पर बसा पक्के घाट का विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ती जल स्तर को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पक्के घाट से माँ गंगा का दर्शन करके बढ़ती गंगा का अवलोकन करके भी आनंद की अनुभूति करते हैं। ये पक्के घाट का नज़ारा है और नवालक साव के खानदान के द्वारा बनाया गया पक्के घाट का जब भी आप अवलोकन करेंगे, जब भी देखेंगे, जिस एंगल से देखेंगे, हर वक्त हर बार इसमें नया पहलू आपको जरूर नज़र आएगा। इसकी यही खासियत है कि यहाँ जो जिस तरीके से जिस नज़रिए से आप इस घाट का अवलोकन करते हैं, इस कलाकृति का, इस पत्थर का, इस प्राचीन मिर्जापुर की सभ्यता का जब आप अवलोकन करते हैं तो आपको हर बार एक नया परिदृश्य, नया दृश्य आपको इसी पत्थरों के बीच देखने को मिलेगा। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और इसका यहाँ अवलोकन करते हैं और माँ गंगा के तट पर हनुमान जी, जो दाऊ जी घाट बगल में ही बसा है, दाऊ जी घाट पर भी बजरंग बली की आरती के वक्त तमाम भक्तगण भी आपको मौजूद नजर आएंगे। हालांकि प्रतिदिन शाम को दाऊ जी घाट पर इसी तरीके से भव्य और दिव्य आरती का आयोजन होता है। भक्तगण इस आरती में शरीक होकर भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद मिर्जापुर में गंगा माँ के बढ़ते जल स्तर से किसी भी प्रकार की जन की क्षति या हानि होने की सूचना नहीं मिलती है। हालांकि गंगा के शहरी तट की तरफ लोग बढ़ते गंगा को अपने कैमरे में भी कैद करते हैं, वहाँ फोटोग्राफी करते हैं, अपने मेहमानों के साथ पहुँचते हैं और बढ़ती गंगा का लुत्फ़ भी उठाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जनपद मिर्जापुर में पिछले 24 घंटे में गंगा के जल स्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि किसी भी तरीके से अभी तक किसी को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं है। हर वर्ष इसी समय इसी मौसम में गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है और गंगा के तट पर रहने वाले लोग, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, दोनों तटों के नज़दीक रहने वाले लोग जानते हैं कि गंगा माँ की जल स्तर की जो बढ़ोतरी होती है वो कब होती है, कितनी होती है, कितनी भयावह होती है या सामान्य होती है। आम तौर पे यहाँ बसने वाले लोगों को इसका आइडिया है। हालांकि जिला प्रशासन भी बढ़ते जल स्तर पर अपनी पैनी नज़र रखता है और यथासंभव जो भी उसके पास संसाधन है इस इलाके में रहने वाले तट के किनारे के लोगों को अवेयर जिला प्रशासन निरंतर करता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये घाट के सीढ़ियों के ऊपर तक जल पहुंच गया है, गंगा जल, और ये रेलिंग भी आप डूबा देख रहे हैं। तो जिस तरीके से सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, ये मछली को जो ये खिलाने वाले लोग हैं, मछली को आटा निरंतर देने वाले प्रतिदिन ऐसे लोग यहाँ आते हैं कि मछली को वो उनका पोषण करते हैं, उनको आटा खिलाते हैं और अपने आप को पुण्य के भागीदारी भी मान के चलते हैं। तो जिस तरीके से जनपद मिर्जापुर का आप नंबर वन हिंदी न्यूज़ पोर्टल मिर्जापुर न्यूज़ डॉट कॉम को आप निरंतर इसी तरीके से देखने के लिए आप मिर्जापुर न्यूज़ डॉट कॉम को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आप बरिया घाट का सीन देखें।